Shut up and sit down. हम लोग बात किए फूड एंड बेवरेज सर्विस के अंदर डिपार्टमेंट के अंदर किस तरह का आउटलेट का फॉर्मेट होता है, किस तरह का आउटलेट रहता है। आज बात करेंगे कि फूड एंड बेवरेज सर्विस का जो आउटलेट होता है किस बेस पे बनाया जाता है, किस हिसाब से डिजाइन किया जाता है। मैं हूँ मजर हन्नान, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका गाइड, आपका कोच। आप लोगों के लिए इस तरह का वीडियो मैं लेके आता हूँ जो आपको हमेशा इन्फॉर्मेशन देता है, अपडेट करता है होटल के बारे में, रिटेल के बारे में, रेस्टोरेंट के बारे में, फूड के बारे में और फिटनेस के बारे में। पूरा वीडियो देखिए पूरा जानकारी के लिए और अच्छे से समझ जाइए कि कौन सा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है एक आउटलेट को डिजाइन करने के लिए, एक आउटलेट का लेआउट क्या क्या होना है, कैसे होना है, ये डिसाइड करने के लिए। पहला पॉइंट जो ध्यान में रखते हुए आउटलेट का फॉर्मेट या लेआउट डिजाइन करना है वो है आपका जो क्लाइंट है या कस्टमर है, एक किस तरह का क्लाइंट है या कस्टमर है, मतलब कस्टमर का एज क्या है, कस्टमर वहाँ पे जो आने वाले हैं वो किस एक्टिविटी के साथ है, क्या वो लोग कमर्शियल कस्टमर है या वो लोग वहाँ का रेजिडेंशियल कस्टमर है या किस पर्पस के लिए आ रहे हैं, ये सारी चीजें ध्यान रख के आपको आउटलेट का फॉर्मेट डिसाइड करना है। दूसरा जो है आपको डिसाइड करना है उस बेस के ऊपर कि आप किस तरह का फूड, किस तरह का क्यूजन वहाँ पे आप सेल करोगे। मतलब क्या हुआ, पहला था आपका टाइप्स ऑफ कस्टमर, अभी हो गया टाइप्स ऑफ फूड, किस तरह का फूड आप सर्व कर रहे हो इसके ऊपर बेस करके आपका आउटलेट को डिजाइन करना है। अगर आप चाइनीज क्यूजिन का फूड सर्व करोगे या सेल करोगे, डेफिनेटली आपका वहाँ का जो डेकोरम रहेगा वो चाइनीज रेस्टोरेंट के बेस के ऊपर होगा, उसके चाइनीज डेकोरेशन के ऊपर बेस के होगा, लेआउट उस हिसाब से होगा, उस हिसाब से किचन बनेंगे, उस हिसाब से टेबल सेटअप होगा। ये छोड़ के और क्या क्या चीजें ध्यान रखना है वो है जो फूड प्रोड्यूस करोगे आपका जो किचन है वो किस तरह का किचन है, उसके ऊपर बेस करके भी आपका आउटलेट का सर लेआउट या फॉर्मेट होगा। क्या आप लाइव किचन करने वाले हो, क्या आप कुकिंग आपका बुफे में सर्व करने वाले हो, या क्या आप फूड को स्टीमिंग करने वाले हो, किस तरह का फूड आप प्रोवाइड करोगे, आप बेकरी बना रहे हो या आप ग्रिल बना रहे हो, इसके ऊपर डिसाइड करके किस तरह से प्रोडक्शन करोगे फूड को, उसके ऊपर बेस करके आपका फॉर्मेट होगा आउटलेट का। ये छोड़ के और क्या चीज ध्यान रखना है, ये छोड़ के आपको ध्यान रखना है जो फूड आप सेल करने वाले हो वो फूड आप किस हिसाब से सर्विस करोगे, क्या आप ये फास्ट मूविंग रेस्टोरेंट के अंदर बनाओगे यानी कि क्यूएसआर बनाओगे, या आप फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट करोगे या टेक अवे काउंटर करोगे, इसके ऊपर बेस करके आपका आउटलेट का फॉर्मेट होगा, आपके आउटलेट किस टाइप का आउटलेट होगा ये डिसाइड आप करोगे। ये छोड़ के भी और जो चीजें ध्यान रखना है वो है आपके पास जो जगह है आउटलेट बनाने के लिए उसका कार्पेट एरिया कितना है, उसका स्पेस कितना है जहाँ पे आप अपना आउटलेट खोलना चाहते हो। अगर आपके पास कार्पेट एरिया कम है, छोटा है, डेफिनेटली यू हैव टू मेक टेक अवे काउंटर। अगर आपके पास एक मॉडरेट जगह है तो आप वहाँ पे क्यूएसआर बना सकते हो, या आपके पास बड़ा सा जगह है जहाँ पे आप डाइनिंग रेस्टोरेंट कर सकते हो, तो डेफिनेटली आपको प्लान करना है उस फॉर्मेट के ऊपर। ये छोड़ के आपको जो ध्यान रखना है वो है नंबर ऑफ स्टाफ आप कितना रखना चाहते हो, आपके पास मैन पावर स्ट्रेंथ क्या है, आपके पास मैन पावर कितना है, और उसके ऊपर बेस करके आपको फॉर्मेट सेट करना है आउटलेट किस फॉर्मेट में बनाओगे। अगर आप मैन पावर कम रखना चाहते हो, डेफिनेटली आप डाइनिंग रेस्टोरेंट नहीं कर सकते। अगर मैन पावर आपके पास ज्यादा है, आप चाहते हो कि उस हिसाब से मैन पावर के साथ चलाऊंगा, तो डेफिनेटली आप डाइनिंग कर सकते हो। तो ये सारे पॉइंट का ध्यान रखते हुए आपको डिसाइड करना है आपका आउटलेट किस फॉर्मेट में बनेगा, उसका लेआउट क्या होगा और आपके आउटलेट किस टाइप का आउटलेट में आएगा। अगर आप जानना चाहते हैं किस कितने तरह का टाइप्स होता है आउटलेट का, तो आप प्लीज मेरा दूसरा वीडियो देखिए टाइप्स ऑफ आउटलेट वाला, जिससे आपको पूरा जानकारी मिलेगा। मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। होप आपको अच्छा लगेगा और काफी जानकारी मिलेगा। प्लीज शेयर कीजिए आपके वो सारे एंटरप्रेन्योर दोस्तों के साथ जो फूड इंडस्ट्री में आउटलेट खोलना चाहते हैं और डेवलप करना चाहते हैं। शेयर कीजिए वो सारे दोस्तों के साथ जो होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं, कर रहे हैं और कर चुके हैं। सब्सक्राइब कीजिए आपके लिए, क्योंकि और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाला है, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे लिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।